खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में नेशनल हाईवे पर आईडी विस्फोटक मिला, बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। भारत को 6000 करोड़ रुपए में 13 एमके 45 बंदूक बेचेगा अमेरिका। समुद्र में दुश्मन को जवाब देने के लिए युद्धपोत पर तैनात हो। इसरो ने कार्टोसेट 3 की लॉन्चिंग तारीख बदली, 25 नवंबर की जगह 27 नवंबर को लॉन्च होगा। भारतीय नौसेना को मिलेगी अपनी पहली महिला पायलट, बिहार के मुजफ्फरपुर की शिवांगी 2 दिसंबर से कोची में ड्यूटी ज्वाइन करेगी। दिल्ली में कल अरुण कुमार नाम के बस मार्शल ने 4 साल की बच्ची का अपहरण होने से रोका, आपके नेता कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर तारीफ की। जेएनयू में फीस वृद्धि के खिलाफ कल भी सड़क पर उतरे एबीवीपी और डीयू के छात्र, मंडी हाउस से शुरू किया मार्च। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में मुस्लिम प्रोफेसर की नियुक्ति पर विवाद जारी, शिक्षा मंत्रालय ने कहा विरोध गलत। यूपी के कानपुर में एसपी विधायक के गनर पर महिला से बदसलूकी का आरोप, विधायक से मिलने आई थी महिला। अहमदाबाद पुलिस को गुरु नित्यानंद की तलाश, 2 बच्चों के अपहरण के आरोप के बाद से फरार है नित्यानंद। भोपाल में रेलवे समिति के चेयरमैन ने खुशवंत सिंह के नॉवल को अश्लील बताया, रेलवे स्टेशन से बुक स्टॉल से हटवाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, क्रेन से हटाई जा रही है बर्फ। बिहार में चपरासी की नौकरी के लिए डिग्रीधारी लोगों की कतार, 163 पदों पर 7 लाख आवेदन, आवेदन करने वालों में एमबीए भी शामिल।